एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। लोग दुनिया में आते हैं और एक दिन चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते जाते हमारे दिलों में ऐसी जगह बना जाते हैं जिसे हम चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते। सुशांत सिंह की डेथ पर किसी को भी भरोसा नहीं हुआ कि वो अचानक कैसे हमारे बीच से चले गए, लेकिन सुशांत के जाते ही जिस तरह से लोगों के इमोशंस बाहर निकल के आए, उससे पूरा बॉलीवुड हिल गया। सुशांत तो नहीं रहे, लेकिन उनकी अपकमिंग मूवी दिल बेचारा में वो एक आखिरी बार हमारे बीच नजर आएंगे। तो आज हम दिल बेचारा का ट्रेलर रिव्यू करेंगे। ट्रेलर के रिलीज होते ही इसने कई रिकॉर्ड्स बना दिए, जिसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। सुशांत के ना रहने की वजह से शायद हम इस ट्रेलर में गलतियां ना निकाल सकें, लेकिन ट्रेलर सच में काफ़ी खूबसूरत है। सुशांत की स्माइल देख के आप भी काफ़ी इमोशनल हो जाओ। 2 मिनट 43 सेकंड का ये ट्रेलर आपको गुदगुदाएगा भी और रुलाएगा भी। किजी बासु यानी संजना सांगी इस फिल्म में कैंसर की मरीज हैं, जिनकी मुलाकात होती है एक जिंदा दिल लड़के और दिल फेंक लवर मैनी यानी सुशांत सिंह राजपूत से। शुरुआत में किजी मैनी को पसंद नहीं करती, पर धीरे धीरे मैनी की क्यूटनेस पर वो फिदा हो जाती है और अपना दिल दे बैठती है। लेकिन दोनों की लव स्टोरी के बीच आती है किजी की बीमारी यानी कैंसर, और यहीं पर ट्रेलर आपको इमोशनल कर देगा कि कैसे किजी अपनी बिगड़ती तबीयत के बीच मैनी को इग्नोर करती है और मैनी किजी के साथ आखिरी पल तक साथ देता है। सरी का मतलब हद से सरी हमारा वर्ड है। कॉन्सेप्ट काफी पुराना है, लेकिन ट्रेलर देख के अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार डायरेक्टर्स और राइटर पुराने कॉन्सेप्ट को भी इतनी खूबसूरती से पर्दे पर लेकर आते हैं कि पुराना कॉन्सेप्ट भी नया लगने लगता है। इसलिए जब तक फिल्म रिलीज नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं कह सकते। कॉन्सेप्ट भले ही पुराना हो, लेकिन कॉपी नहीं है। साल 2014 में आई हॉलीवुड फिल्म द फॉल्ट इन आवर स्टार्स अगर आपने देखी है तो ये फिल्म आपको उसकी याद दिलाएगी। दिल बेचारा इसी हॉलीवुड फिल्म का हिंदी रीमेक है। खास बात ये है कि ये फिल्म दोनों लीड एक्टर और डायरेक्टर के लिए खास है। एक और यह सुशांत राजपूत की ये आखिरी फिल्म है, वही बतौर लीड एक्ट्रेस यह संजना सांघी का डेब्यू है। निर्देशक मुकेश छाबरा के लिए भी ये फिल्म डेब्यू फिल्म है। टीवी एड्स की दुनिया में अपना नाम बनाने वाली संजना इससे पहले फुकरे रिटर्न्स, रॉक स्टार और हिंदी मीडियम जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। हालांकि बतौर लीड एक्ट्रेस ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म के कुछ सीन्स और डायलॉग्स ऐसे हैं जो आपको काफी इमोशनल कर सकते हैं। ट्रेलर में सुशांत का एक डायलॉग आपको रुला देगा। जन्म कब लेना है और मरना कब है? हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। जब जब सुशांत का फेस स्क्रीन पर आता है तब तब आपको कुछ अलग फील होता है। शायद ये उनके इस दुनिया में ना रहने की वजह से हो, लेकिन फिर भी उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी बेहतरीन है। वहीं अगर बात करें संजना सांघवी की, संजना सांघी के चेहरे पर कैंसर से मरने वाली लड़की का दर्द नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी उनकी स्माइल आपका दिल जीत लेगी। फिल्म में सुशांत और सांघवी की बॉन्डिंग काफी अच्छी दिखाई दे रही है। अब बस इंतजार है 24 जुलाई का, जब ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार डिज्नी प्लस पर रिलीज होगी। फिल्म के साथ लोगों के काफी इमोशंस जुड़े हुए हैं, जिसे देखते हुए हॉटस्टार ने इस फिल्म को बिल्कुल फ्री कर दिया है। मतलब इस फिल्म को देखने के लिए आपको किसी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर 6 जुलाई यानी सोमवार को रिलीज हुआ था। इस ट्रेलर का सुशांत के फैंस को बेसब्री से इंतजार था। इसका असर ट्रेलर और फिल्म के बस पर भी देखने को मिल रहा है। फिल्म का ट्रेलर ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि यूट्यूब पर भी छा गया है। मैं आपको बता दूं, इस फिल्म ने रिलीज के 24 घंटे के अंदर कई रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। सबसे पहले इसने इंडिया का मोस्ट लाइक्ड ट्रेलर का रिकॉर्ड बनाया है। इस टाइम जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, इस टाइम तक इस ट्रेलर पर 7.8 मिलियन लाइक्स हो चुके हैं। वहीं अगर इसके व्यूज की बात करें तो अभी तक 4 करोड़ प्लस व्यूज आ चुके हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड्स बिगिल के नाम था। वहीं बात करें अगर सेकंड रिकॉर्ड की, तो इस ट्रेलर ने वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ट्रेलर टू रीच 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन एंड 5 मिलियन विद इन 24 आवर्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। वहीं इस फिल्म ने तीसरा जो वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड बनाया है वो है वर्ल्ड्स मोस्ट लाइक ट्रेलर का रिकॉर्ड। सुशांत की फिल्म ने एवेंजर्स एंड गेम जैसी फिल्म का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है।
फोर्थ रिकॉर्ड की बात करें तो फिल्म ने इंडिया फास्टेस्ट ट्रेलर टू रीच 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन एंड 5 मिलियन विद इन 24 आवर्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। मूवी ने जो लास्ट रिकॉर्ड ब्रेक किया है वो इंडिया फास्टेस्ट 100 के लाइक्स का रिकॉर्ड है। इस फिल्म ने सिर्फ 13 मिनट्स के अंदर ही इसे अचीव किया। इससे पहले ये रिकॉर्ड शाहरुख खान की फिल्म रईस के पास था, जिसने 3 घंटे 35 मिनट में ये रिकॉर्ड बनाया था। इस तरह से दिल बेचारा के ट्रेलर ने ये रिकॉर्ड बनाए। जरा सोचो अगर ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होती तो क्या कमाल करती। कई वर्ल्ड रिकॉर्ड शायद ब्रेक हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या कोई इंडस्ट्री में ऐसा सुपरस्टार है जो सुशांत के इस ट्रेलर्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।